हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। न्यू बीकॉम पार्ट वन बैच में आज नोट्स के क्लास में आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ ऑडिटर। पिछले क्लास में मैंने ऑडिटर ऑडिटिंग के बारे में अच्छी तरह बता दिया था। अब आगे हम बात करेंगे कि एक ऑडिटर का क्या क्या कार्य है, तो उसके बारे में कुछ टॉपिक्स हैं, मैं उसको समझा देता हूँ। आपको नोट्स तैयार करना होगा, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स आपके 350 वर्ड में होने चाहिए। चूंकि आपके क्वेश्चन सारे लॉन्ग आते हैं, तो आपका जो भी नोट्स तैयार होगा वो 350 वर्ड में होना चाहिए। फंक्शन ऑफ ऑडिटर, पहला फंक्शन लेखांकन एवं आंतरिक पद्धति की जांच करना। प्रत्येक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी संस्था के लिए कोई जर्नल लेजर कैशबुक, कोई कैशबुक ना बनाकर कोई लेजर खोलता है, कोई कैश फ्लो को अपनाता है, कोई फाइनल अकाउंट को अपनाता है, तो इस तरीके से ये देखना होगा उसका इंटरनल पुस्तक क्या है, यानी इंटरनल उसका बुक क्या है, उस बुक की जांच करनी होगी। क्योंकि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस अकाउंट्स बुक हो सकते हैं। सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली की जाँच। सबसे बड़ी बात है कि वो किस सिद्धांत पे काम कर रहा है। उसने यदि वो बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 का पालन वो कर रहा है कि नहीं। यदि वो कंपनी है तो 1956 का पालन कर रहा है कि नहीं, 2013 का पालन कर रहा है कि नहीं। यदि वो पार्टनरशिप कंपनी है तो 1932 के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। यह देखना बहुत जरूरी है कि उसकी जो भी कार्य प्रणाली है उस सिद्धांत पर है कि नहीं, वो रूल रेगुलेशन पर आधारित है कि नहीं, इसकी जांच करनी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो ऐसा रिपोर्ट तैयार करे यह कंपनी इस नियम को फॉलो नहीं किया। अगली टॉपिक है हमारा लेखा पुस्तकों की अंगणितीय शुद्धता की जांच। अंगणितीय शुद्धता की जांच के लिए सबसे ज़्यादा बेटर होता है कि हम ट्रायल बैलेंस बना लें। यदि ट्रायल बैलेंस पे पकड़ आ जाता है कि डेबिट या क्रेडिट किस ओर कमी है, वैसे और भी पुस्तकें हैं उसमें देखना होगा कि अंगणितीय शुद्धता की जांच करनी होगी। जब तक अंगणितीय शुद्धता की जांच नहीं होगी तब तक आपको पक्का यानी 100% ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि संस्था का प्रॉफिट या लॉस क्या है। गहन जांच, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जांच कर रहे हो वो पकड़ में नहीं आती है, तो आपको एक एक पुस्तकों की बारीकी से जांच करनी होगी। प्रत्येक पुस्तक, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस कैशबुक, कैशबुक के सारे अकाउंट, ट्रिपल डबल कॉलम जो भी उसके यहाँ बना हो, और प्रत्येक एक एक अकाउंट्स बुक की जांच करनी होगी। मतलब समझिए कि इसमें आपको बहुत अधिक समय लग जाएगा, इसमें ऑडिटर की बहुत सारी टीम आएंगी और प्रत्येक टॉपिक पर अच्छा अध्ययन करेंगी, तब जाके गहन जांच हो जाएगा। जब करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब लगेगा कि संस्था में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, तो गहन जांच की आवश्यकता होगी। अगला टॉपिक है लेन देन में विश्वसनीयता एवं वैधता की जांच। ये देखना होगा कि ये लेन देन सही हुआ है कि नहीं, विश्वसनीयता है कि नहीं, यह कभी ऑडिटिंग कराया है कि नहीं, यह जो भी प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में दिखा रहा है वो वास्तव में है कि नहीं, यह वैध है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसने संपत्ति उसका नहीं है फिर भी वो वैध रूप से दिखा दिया है। तो इन सारी चीज़ों की जांच करनी होगी कि जितना वो दिखाया वो अवैध तो नहीं, वो फाजूल खर्चा तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने ड्राइविंग को एक्सपेंस मान लिया है। अगर उसने अपने बच्चों को फी दिया हो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बच्चे का फी दिया हो और यदि उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखता है तो यह गलत, क्योंकि यह तो होगा पर्सनल खर्च और पर्सनल मतलब ड्राइंग, और ड्राइंग का काम बैलेंस शीट में होना चाहिए। नेक्स्ट, अगली टॉपिक है आयगत एवं पूंजीगत व्ययों में अंतर। यह भी बहुत बड़ा टॉपिक है कि रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। न्यूज़पेपर खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कार खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये दोनों में ध्यान देना होगा कि कहीं रेवेन्यू में कैपिटल या कैपिटल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं लिखा गया होगा, इसकी जांच करनी बहुत जरूरी है। इसके बाद आपका आता है खातों एवं विवरणों की जांच। जितने खाता बनाए हैं, जितने स्टेटमेंट आपने किया है, वो सारे स्टेटमेंट की जांच होगी। सारे खाता बही, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस की एक एक करके खाता बही की जांच, या स्टेटमेंट आपने जितना बनाया
प्रत्येक स्टेटमेंट की जांच की जाएगी। जब ये सारे चीज से आप पुख्ता हो जाते हैं, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं ये सारे चीज सही है, तो उसके बाद प्रतिवेदन देना चाहिए। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट देना होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। आप ऑडिट रिपोर्ट क्या दे रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट देते समय आप निष्पक्ष, सत्यता और ईमानदारी का पालन करें, उसके आधार पर आप रिपोर्ट तैयार करें। किसी से डरे नहीं, किसी भी तरह के आप दबाव में ना आए, किसी भी तरह के लालच में ना आए, आपका जो रिपोर्ट हो वो निष्पक्ष रूप से हो, सत्य होना चाहिए, ईमानदारी पर आधारित होना चाहिए। तो आज की ये टॉपिक आप लोग अच्छी तरह पढ़ो, याद करो। जो भी हम नोट्स याद करते हैं वो याद नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं अपने वीडियोज में अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थी अच्छी तरह उसको समझ लें, ताकि उनको याद करने की जरूरत ना पड़े। और एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल्स आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और प्रत्येक क्वेश्चन पर आपका फोकस हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, कॉमर्स करियर सेंटर आरा। इसी के साथ विदा लेते हैं, जय हिंद।